दिल को नमस्कार करता हुआ परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी अखिलेश्वान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ, परम पूज्य सदगुरु जी माता जी के चरणों में, गुरुपुत्रों के चरणों में नमस्कार करता हुआ, आज निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद में गुरु पूर्णिमा में फिर नए लोग जुड़े आए, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। ये जरूर है कि प्रयत्न हर साल कर रहा हूँ कि आप सभी के लिए जगह थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाऊं, लेकिन आज अभी देखकर मुझे करना पड़ रहा है कि अब थोड़ी जगह बढ़ाने से नहीं होता, ज्यादा जगह बढ़ानी चाहिए। प्रयत्न तो यह है कि आप, मैंने जैसे सुबह कहा, आप यहां आनंद अनुभव करें, यहां आप सुख अनुभव करें। आज आप यहाँ गुरु के शरण में आए हुए हैं तो आपके सारे दुख जो भी कष्ट हैं सारे भूल जाएं। आप ये अनुभव करें कि हम यहाँ आए हैं तो हम स्वर्ग सुख क्या है हमें किसी को पता नहीं, लेकिन उतना सुख हम यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, ये अनुभव आपके जीवन में हो। अब अगली बार जब आएंगे, कैसा भी गुरु मंदिर हो रहा है, पहले वहीं बैठा करता था इसलिए इस पंडाल को बनाना पड़ा। देखता हूं कि अगली बार आपको और भी इसे बढ़ा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे पास साधक आते हैं, केवल साधक। ऐसे लोग नहीं आते जो बाता माथा पच्ची करने यूं ही आते हैं, ये शिविर अटेंड किया, गाना सुने, नाचे, चले गए या शक्तिपाद दीक्षा दिया। नहीं, गुरुजी ने जिस सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की थी वो साधक मेरे पास आते हैं और मैं प्रसन्नता के साथ कहता हूं कि मुझे इन साधकों की जरूरत है जो आने वाले भविष्य के लिए एक मार्गदर्शन है, देश के लिए ये उपयोगी है। जहां साधना हुई, जहां साधक बने, वो किसी पर आधारित नहीं, अपने साधना पर आधारित होकर जीवन जीते हैं। ऐसे निखिल चेतना केंद्रों की कल के दिन हजारों की संख्या में स्थापना होगी और साधक बने। गुरु जी का नाम हो, गुरु जी के बारे में लोग, गुरु जी जिस प्रयत्न से सिद्धाश्रम को छोड़कर, उस स्वर्ग सुख शोक को भी छोड़कर यहां आए थे और यहां उन्होंने जो कष्ट अनुभव किया, यहां जो प्रताड़नाएं सही गृहस्थ बनकर, वो बाहर तो बताते नहीं रहे लेकिन उनके जीवन में बहुत लोगों ने उन्हें भी सताया, उसकी चिंता वो नहीं करते थे, ये बात अलग है। उनको किसकी प्रताड़नाओं को किस प्रकार प्रहार करना है वो जानते थे, उन्होंने जीवन जिया। उन आप सभी के लिए उन्होंने वो कष्ट सहे, अपने गुरु को दिया हुआ वचन निभाते हुए उन्होंने कहा कि मैं कभी किसी प्रकार का कोई मंत्र, कोई सिद्धि का उपयोग न करते हुए एक मामूली साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति बनकर जीऊंगा और लोगों को वो चेतना, वो प्रेरणा दूंगा जो एक साधना के साधक परिवार के लिए होती है, और वही काम गुरु जी ने किया। गुरु जी ने रोग सहे, गुरु जी ने शत्रु की प्रताड़ना सही, गुरु जी ने गृहस्थ सुख सहा, गुरु जी सभी लोग जाते रहे। उस जमाने में, इस कलयुग में जहां विज्ञान बात करता है वहां मंत्र तंत्र यंत्र को विज्ञान कहा और उसके साथ विज्ञान को बात प्रचुरता के साथ कहते दिखाई दी। ऐसे प्रभु स्वामी निखिलेश्वर जी, डॉक्टर नारायण सीमाली जी की वह प्रेरणा, वह साधक बनने की प्रेरणा, मैं आपसे कहता हूं आप कुछ न करो, केवल जीवन में सुबह उठने के बाद स्नान करने के बाद चार माला गुरु मंत्र जप करो, बाकी उन्होंने आपको खींच के जहां ले जाना है ले जाएंगे। ये नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं आते, ये जरूर कहता हूं कष्ट आएंगे लेकिन सहने की शक्ति आएगी। ऐसा नहीं हुआ, हम रामचंद्र जी के वनवास को देखा, गुरु जी उनके साथ भी थे, कृष्ण उनके साथ भी थे, पांडवों का वनवास भी हमने देखा, आज हमारे साथ भी है, हम वनवास जरूर देखेंगे, लेकिन एक बात याद रखो, वनवास में भी आनंद के साथ रहने की शक्ति रखेंगे। हमें वनवास कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ना कोई हिंसक पशु हमारे ऊपर कोई प्रहार कर सकते हैं, हमें ये शक्ति साधना के बल पर आती है और साधना के बल पर हम जीने की क्रिया करते हैं। हम ये साधनाएं, आप एक आदमी एक साधना साधन करता है तो अपने गली को पूर्ण रूप से सहायक बनता है, आपकी एक साधना कल के दिन गांव को, उसके बाद शहर को, उसके बाद देश को और उसके बाद पृथ्वी को, वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर आप सभी उनकी रक्षा करने के लायक बनेंगे। लेकिन इन सभी के लिए भी मैंने जैसा सुबह कहा,
हमारा शरीर सुदृढ़ होना चाहिए, सभी बातों को सहने की शक्ति हमारे में होनी चाहिए। गुरु जी के इसलिए उनके अनमोल वचन में गुरु जी कहा है, एक बार तू मेरे लिए कड़ू वचन सुन के तो देख, चेतु माटल ना गुरु जी विनय के छोड़ू, तू एक बार किसी की गाली मेरे लिए सुनकर तो देख, मेरे लिए पैसे खर्च करके तो देख, मेरे लिए अपमान सहन करके तो देख, तुझे सम्मान न प्रदान करो तो मैं गुरु नहीं, ऐसा गुरु ने कहा। तूने मेरे लिए कड़वे वचन सुने हैं तो तुझे सम्मान के शब्द भी मैं उन्हीं के उन्हीं से सम्मान प्रदान करवाने जाऊंगा, ये गुरु जी का वचन था। तू मेरे लिए खर्च कर दे तो तुझे कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। लेकिन अब में गलती क्या है कि हम कड़वे वचन प्रश्न पैसे खर्च करना सोचते हैं, लेकिन उससे पहले ये सोचते कि कब कब कुबेर भंडार खुलेगा, ये बात गलत है। हम पहले ही कुबेर भंडार की आशा रखते हैं और बाद में अपन पैसे देने की बात सोचते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे में चाहिए कि हम इस संसार में एक ऐसा जीवन जिए कि प्रभु आप सर्वस्व है, आपने जब कहा है तो हम आपके लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार हैं। ये सच्ची बात है कि गुरु जी को मैंने पूर्ण रूप से उनके जीवन उस काल में उनको वो सारे कष्टों को मैंने सहते देखा है। उन्होंने वो सब किसको सहा, जो स्वयं महामृत्युंजय जबकि ज्ञाता थे, मृत्यु उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। गुरु पूर्णिमा 1997 की गुरु पूर्णिमा में गुरु जी ने स्वयं कहा था कि अगर मृत्यु तुम्हारे घर पे आए तो उसे कहना मेरे साथ हमारे गुरु जी है, तो कहीं बाजू जंगल में बाजू के घर में चले जाए, जहाँ गुरु मंत्र नहीं होता वहां जा, मेरे पास नहीं आना, ये गुरु जी के वचन। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे महर्षि, ऐसे महान व्यक्ति अपने जीवन काल में उन्होंने शिष्यों के लिए क्या क्या सहा वो मुझे पता है। जितने भी महान लोग हुए, चाहे वो लाहड़ी महाशय हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे परम पूज्य सद्गुरु जी, रामकृष्ण परमहंस को भी जाते समय कैंसर को सहना पड़ा, लाहड़ी महाशय भी अपने जीवन में जीवन काल में उन्हें श्री विशुद्धानंद जी ने भी बुखार के साथ गए, और ये संत महात्मा है आप सभी के लिए अपने जीवन का उपयोग करते हैं, अपने जीवन को लेकर आपको सुदृढ़ बनाते हैं। आज आप यहाँ बैठे हैं, हमारे में सबसे सौभाग्य की बात क्या है, मैं कभी भी कहता हूँ कि शरीर स्वस्थ हो, शरीर अच्छा हो, शरीर रोगमय ना हो, तो उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। इसलिए तेलुगु में कहा कहते हैं आरोग्य में महाभाग्यम, आरोग्य जिसको रहा उसके बड़ा भाग्य कौन सा भी नहीं है। आपका आरोग्य ठीक रहा तो एक नहीं तो 10 काम कर सकेंगे, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए पड़ा है और बीमार है तो वो पैसा किस काम का, किसके लिए भोग करेंगे, कुत्ते भोगेंगे बिस्किट खाते हुए, घर में करोड़ों रुपए हैं क्या करेंगे, किस काम के। सही, आपके घर में नौकर चाकर अच्छा खरीद के रहेंगे और आप बिस्तर पर पड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, अच्छे सोने की पलंग है, सोने का लाइट है, किस काम का। इसलिए अपने शरीर को अच्छा रखना, शरीर इस लाइक बनाना कि चाहे हम जंगल में भी जाए, हम कहीं भी जाए तो जी सकें, हमारे साथ 10 लोगों को लेकर जी सकें। मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि हम अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो हम न भोग सकेंगे न किसी को भोगने देंगे, क्योंकि हमारे घर हम बीमार पड़े हैं तो बीवी को बुलाएंगे, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा सर दर्द दे रहा है, मुझे गोली दे, मेरे औषध दे, ये सारी बातें कहेंगे। हम दूसरे पर आधारित जीवन जिएंगे जब हम बीमार हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में ना आए, हम एक श्रेष्ठता का जीवन जी सकें। श्रेष्ठता का जीवन उसे कहते हैं जो हम सर्व कार्य करने के लिए सिद्ध हो, सारे कार्य करने के लिए सिद्ध हो। परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी की जो मैंने सुबह पारद की साधना, पारद शिवलिंग की साधना दी, जिसे रसेश्वरी साधना कहा है, स्वयं आपको पता है कृष्ण, हमने बहुत लोगों ने सुना है कि कृष्ण मक्खन खाते थे, कृष्ण मक्खन क्यों खाते थे। आज आप एक नहीं 3 दिन मक्खन खाओ, दूसरे दिन हार्ट अटैक आ जाता, ब्लॉकेज शुरू हो जाता। कृष्ण तो जीवन भर मक्खन खाए, वो मक्खन उनके प्रति प्रीति था, मक्खन को जीर्ण करने की शक्ति उसमें किसकी थी, क्योंकि उनके उनके जीवन में जो संजीवनी थी वो एक श्रेष्ठ कार्य करती थी। यही हम हनुमान जी को महारुद्र कहा कहते हैं, रुद्र का एक अंश, रुद्र का एक अवतार कहते हैं, आज भी वो जीवित है। भीष्म जो गंगा के पुत्र कहा जाते हैं वो भी आज जीवित है, परशुराम जी आज भी वो जीवित है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। आज हम वैसा जीवन हम क्यों नहीं जी सकते, हमारे जीवन में हमारे 60 साल आने से पहले 45 साल से बुढ़ापा हमारा शुरू हो जा रहा है इस कलयुग में। 40 साल के बाद कहते हैं मेरा घुटना दर्द दे रहा है, मेरा हाथ दर्द दे रहा है, मेरा सर दर्द है, ये पाल। और उससे भी ज़्यादा बड़ी मजे की बात करता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को माता पिता आजकल एक बात करते हैं,
अरे अच्छा, पर तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे फर्स्ट क्लास आना है, तुझे 100 मार्क लाना है। वो बच्चा उस समय से 7 और 8 साल का नहीं होता, गुरु जी मुझे बहुत टेंशन है। टेंशन हमारे को बचपन में मालूम था, टेंशन किसे कहते हैं। मेरे पास 10 साल का बच्चा का कहता है, गुरु जी मुझे बहुत टेंशन है। मैं बोला टेंशन का बात, टेंशन किसे कहते हैं। कुछ नहीं गुरु जी, परीक्षा है, माता जी कह रहे हैं कि मुझे 100 मार्क लाना है, मुझे 100 मार्क आते ही नहीं थे, इसका टेंशन। अरे 7 साल का बच्चा जो खेल कूद करने का उसकी उसके संबंध है, खेल कूद करना चाहिए, ऐसा लड़का 10 साल में टेंशन कहे तो फिर क्या जीवन जिएगा। उसका बुढ़ापा तो 30 साल से बुढ़ापा आरंभ हो जाएगा। उससे भी बड़ा आजकल का कहना क्या है, हमारे बहुत सारे माता पिता को, गुरु जी हमारा बच्चा है ना 5 साल में फोन ऑपरेट कर रहा है, उसको खुशी है कि फोन ऑपरेट कर रहा है। फोन ऑपरेट नहीं कर रहा है, वो गेम खेल रहा है। पढ़ेगा नहीं। और अपने को ये टेंशन देगा कि 10 साल होते होते वो ये बात भूल जाएगा कि पढ़ाई किसे कहते हैं। हमें ये जो सारी चीजें हैं हमारे जीवन में, इन चीजों से हम बाज कैसे आए, क्या करें। हम समझते हैं कि विज्ञान आज बहुत बड़ा काम किया है। विज्ञान ने टीवी, फोन आदि का आविष्कार किया है। मैं एक आपको बात सुनाता हूं। हनुमान जी, हम सभी को पता है कि हनुमान जी ने राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने के बाद सुषेण नाम के वैद्य ने कहा कि उनके ऊपर सर्प नाग का प्रयोग किया गया है और उनके नाग से बंधा गया है और उनके ऊपर विष प्रयोग हुआ है, उनको जीने के चांसेस नहीं है। तब सुषेण नाम के वैद्य ने कहा कि इनको बचाने का एक ही मार्ग है और वो है संजीवनी बूटी को लाना। संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन जाना, संजीवनी बूटी है कहाँ, इसके बारे में कौन बताएंगे, ये इसके एक विचार था। तब जाम्बवंत अंगद आदि ने कहा संजीवनी बूटी लाने की क्रिया एक ही आदमी कर सकता है और वो है हनुमान जी।